ये हैदराबाद शहर ऐसे शहर है हिंदुस्तान में, अगर हिंदुस्तान का चर्चा कहीं निकले तो हैदराबाद शहर के बारे में पहले चर्चा करना पड़ेगा। हिंदुस्तान को जो रोशन लाए हिंदुस्तान में, अपने हैदराबाद के तरफ से सब सारे अपना कामयाबी में हैदराबाद का शामिल है। इसीलिए आज इस रमजान इफ्तार दावत में हम लोग इकट्ठा होकर यहाँ पर शामिल हुए। कांग्रेस पार्टी जब जब सत्ता में था तब तब हिंदू मुसलमानों को सबको साथ में लेकर आगे चले। आप लोगों को पता है ये जो तेलंगाना में सचार कमेटी के हिसाब से मुस्लिम्स जो उनके पावर्टी दलित से भी बहुत गरीबी में रहा, ऐसे रिपोर्ट देने के बाद कांग्रेस पार्टी सोचकर मुसलमान भाइयों को एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में 4% रिजर्वेशन दिए। इसीलिए आज के तारीख में हमारे भाई लोग कोई भी डॉक्टर इंजीनियर लॉयर ऐसे जाने माने, और मेरा अच्छा दोस्त इंडिया कैप्टन, इंडिया का नाम हिंदुस्तान का नाम पूरा दुनिया में रोशन किए हमारे अजहरुद्दीन भाई, इंडिया क्रिकेट कैप्टन रहकर अभी इस मंच पे मौजूद है। जो हिंदुस्तान में खिलाड़ियों का नाम आए तो पहले अजहरुद्दीन भाई का नाम आएगा, उसके बाद सानिया मिर्जा। आज अभी बॉक्सिंग में अपना लड़की निकहत जरीन, पहली बार निकहत जरीन जब जीती तब कांग्रेस के तरफ से हमारे शब्बीर भाई से पूछकर हम लोग पहले उनके मदद में हम आगे आए थे, इसके बाद सरकार ने सब लोग आया। आज हिंदुस्तान का नाम दुनिया में जो रोशन किए अजहरुद्दीन भाई और सानिया मिर्जा, निकहत जरीन, सब लोग सिराज, ये सब लोग अपने हिंदुस्तान के तरफ से इतना मेहनत किए, इतना नाम कमाए, कोई भूल भी नहीं सकते। इसीलिए इस मंच पे जितने भी बड़े बड़े नेता मौजूद हुए, आज हम लोग इकट्ठा मिलकर सोचने का वक्त आया। आप लोग सोचो जो अपने तरफ से आजाद साहब और शब्बीर अली साहब, डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब सोचकर मुसलमानों को एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में 6% रिजर्वेशन दिए, और उसके माइनॉरिटी में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस भी दिए। माइनॉरिटी कॉरपोरेशन से जो भी कारोबार करने वाले को, गरीब लोगों को फाइनेंशियल भी मदद किए, मगर आज के तारीख में सरकार से कोई मदद नहीं। आज हमारे कुछ नेतागण शहर के शहनशाह बोलने वाले, शहर के मालिक बोलने वाले, कार का स्टीयरिंग हमारे हाथ में है बोल के बोल रहे, मगर ये कार अपने वोट लेकर हैदराबाद से निकलकर दिल्ली जाके मोदी गली में घुस रहा है। इसीलिए हैदराबाद का वो शहनशाह जो बोल रहा है ना, मालिक जो बोल रहा है ना, उनसे मेरा एक ही गुजारिश है कुली कुतुब शाही टूम से, अगर स्टीयरिंग आपके हाथ में रहा तो गाड़ी कैसे मोदी के गली में घुस रहा, मोदी के गोद में कैसे बैठ रहा, ये आप लोग सोचकर आगे हम लोग सब मिलकर ये तेलंगाना को और मुसलमान भाइयों के तरक्की के लिए हम लोग आगे साथ में मिलकर चलेंगे। आपके मदद, आपके दुआ, ऐसी मक्का मस्जिद से अपने बड़े बड़े अपने मक्का मस्जिद के जिम्मेदारी से यहाँ पर ये मंच पे आए, मैं कांग्रेस के ओर से उनको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इतना अच्छा ये शाम, इतना अच्छे से ये रमजान की दावत हो रहे, बोले तो बड़े लोग यहाँ तो यहाँ पर आए हुए मौजूद हुए। इसीलिए हमारे मुसलमान भाइयों को और एक बार रमजान फेस्टिवल की दावत में सबको धन्यवाद देते हुए आगे भी हम लोग मिलकर काम करेंगे। मुसलमानों तरक्की के लिए कांग्रेस पार्टी हर जिम्मेदारी उठाएंगे, हर जिम्मेदारी निभाएंगे। यहाँ ही मेरा भाषण खत्म करता हूँ, धन्यवाद मित्रों। ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا من متقي شهر رمضان بحرمة شهر القرآن بحرمة شهر رمضان
وبرحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة अभी हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट साहब रिजवान खुर्शीद साहब को कराएंगे, उसके बाद हाफिज मोहम्मद उस्मान साहब को खजूर खिलाएंगे, फिर हमारे तारिक भाई को और साथ ही साथ हमारे इमरान प्रताप गढ़ी साहब को भी हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट साहब अपना खजूर खिलाएंगे। अल्लाह अकबर Allah